हमारे गांव में एक अंकल हैं, वो डेली 1000 रुपये कमाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल गंवार व्यक्ति हैं। बहुत से नवयुवक हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं 1000 रुपया कैसे कमा सकता हूं, आखिर क्या करूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया नहीं है, अब क्या करूं, कौन सा धंधा करूं, क्या करूं, उनके पास ना कंफ्यूजन रहता है। अगर आप भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं और सोच रहे मैं क्या करूं, पूंजी पैसा नहीं है, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। वो अंकल डेली 1000 रुपये कमाते हैं अपने गांव में घूम करके, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा नाम राजेश है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियोस पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या कोई गरीब व्यक्ति इस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता, कमेंट करके बताइएगा। उनके पास ज्यादा से ज्यादा ना 5,000 रुपया होगा, 5,000 रुपया, कितना 5,000 रुपया है, और वो डेली गांव में घूम करके, है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप ये बहाना मत ना बनाए कि मेरे पास पैसा नहीं है। 5,000 रुपया कौन इंतजाम नहीं कर पाएगा, हर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया तो इंतजाम कर ही सकता है, है ना, पड़ोसी से, रिश्तेदार से। अरे आजकल तो मोबाइल से लोन भी 10,000 आराम से मिल जाता है बिना किसी गारंटी का, कोई गारंटी नहीं चाहिए, आधार कार्ड आपका है और मोबाइल फोन है तो आपको 10,000 रुपया तुरंत मिल जाएगा अगर आप प्रोसेस उसका करेंगे तो, ठीक है। तो इतना रुपया तो आदमी इकट्ठा कर सकता है। वो अंकल क्या करते हैं कि डेली जाते हैं अपने घर से, जो उनका होलसेल मार्केट है ना वो थोड़ा दूर है, करीब 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है, सुबह रोज जाते हैं, 1-2 घंटा लगता है जा करके माल को लेके आते हैं, और वो गांव में घूमते हैं और घूम करके गली गली चौराहों चौराहों पे घूम करके बेचते हैं। अगर वो चाहते, देखिएगा, घूम करके बेचने का मतलब आप ये मत सोचना कोई सब्जी वाला है, कोई कुछ भी बेच रहा है, इसको आप इस तरीके से मत देखिए, इस तरीके से देखेंगे फिर आप बेरोजगार ही रहेंगे। मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। वो जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं घूम करके बेचते हैं। अब घूम करके ही क्यों बेचते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अगर वो किसी के यहां लेबर बन के काम करते, पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप है, तो अगर किसी के यहां जा करके वो लेबर का काम करते तो उनको ज्यादा से ज्यादा 300 रुपये या 400 रुपये दिहाड़ी मिलता, और पूरे 8 घंटा पसीना से लथपथ होकर के उनको 6-6 ईंट लेकर के चौथे पांचवे मंजिल पे लेकर के चढ़ना होता, बालू टोकरी मिट्टी पूरा लेबर, मतलब शरीर को एकदम दशा बना के रख देते, दशा बिगाड़ के रख देते। तो उन्होंने ये काम ना करके जिस हिसाब से वो परिस्थिति में है, या हो सकता है कोई व्यक्ति है, आप ही हो या कोई और है, और वो इस परिस्थिति में है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, वो क्या करे। तो मेरे हिसाब से वो अंकल जो काम करते हैं, एक प्रोडक्ट को जा करके खरीद करके लाते हैं और उन्होंने दिमाग लगाया, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये देखा कि भाई मैं मेहनत कम करना चाहता हूं, अर्निंग ज्यादा करना चाहता हूं। अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप समझ लो कि गरीब हो रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा, अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं होती है। मेहनत 50%, स्मार्ट वर्क मतलब दिमाग भी चलना होता है। वो अंकल क्या करते हैं, वो समझ चुके हैं कि हमारे गांव में प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे गांव में इस तरीके से कोई नहीं बेचता है, लोगों की असलियत में लोगों की जरूरत क्या है, वो इस बात को समझ चुके हैं। अगर आप भी अपने मोहल्ले के गांव के जो प्रॉब्लम है उसको समझ लेंगे कि हमारे गांव के लोग क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए उनको 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मतलब हर घर की जरूरत है और मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको ला सकता हूं। देखो यार, दिमाग लगा, देखो ये बिजनेस जो है ना वो दिमाग का ही खेल है। अगर आप ये लोगों की नीड, लोगों की जरूरत समझ जाते हैं तो ये समझ लो कि वो आपका धंधा है और वही आपका बिजनेस है और वो आपको मालामाल कर देगा। अब ये बहुत कमेंट मत करना कि सर आप क्यों नहीं करते हो, तू क्यों नहीं करते हो, अरे ये तो बातें सब पुरानी हो चुकी, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं। इसलिए अगर मेरी हालात भी इस तरीके से होती तो मैं भी उस काम को कर लेता। इतनी आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं, क्या लगता है आपको, मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा काम और कोई छोटा काम नहीं होता है। ये सब आदमी अपने आप सोच लेता है कि अरे घूम करके बेचेंगे तो ये छोटा काम है और दुकान करके बैठ करके बेचेंगे तो बड़ा काम है, कुछ नहीं है, बेचना वहां पे भी है, बेचना यहां पे भी है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर घूम करके बेचते हैं तो आप उतना ज्यादा कमाने के चांस रखते हैं जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं बैठ जाते हैं, बैठ करके कुछ बेचते हैं, तो आपके पास सिर्फ उतना ही कस्टमर आ सकता है जितना कि आना होगा। इसलिए कभी भी
घूम करके बेचने वाला काम कीजिएगा। बैठ करके बेचना है तो उसमें रिक्स है, आपको 24 घंटे में 16 घंटे आपको दुकान पे देना होगा, आपको कहीं नहीं जा सकते, आप उसमें बंधे रहेंगे। साथ में एक और आदमी चाहिए, माल लाने और ले जाने वाला। आपको कहीं बाथरूम भी जाना है ना, तो आपको एक आदमी को रख के जाना पड़ेगा, बिठा के जाना पड़ेगा। तो दुकान करके बैठना है तो पूंजी भी आपको 5 लाख 10 लाख ज्यादा रकम लगाना हो, चलो 5 लाख नहीं 2-3 लाख रुपए लगाओगे ना कोई दुकान करना है तो इसलिए अगर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस अंकल की तरह वो केला बेचते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भूल गया था, वो केला बेचते हैं। केला क्या है कि हर घर में लोग नाश्ता, हर को आजकल फिटनेस चाहते हैं, बॉडी चाहते हैं, वो लोगों की जरूरत को समझ चुके हैं और वो केला लाते हैं और ला करके 2000 का 3000 का केला ला करके बेचते हैं। इस पे रेडी पे। अब ये रेडी सुन के आप उनको गाली मत देना, ये मत सोचना कि बहुत गंदा काम है, नहीं यार, रिस्पेक्ट किया जाता है। हर कोई अपने काम से प्यार करता है, मैं भी अपने काम से प्यार करता हूं, आप भी अपने किसी काम से प्यार करते होंगे। नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, जिससे आपका मन लग रहा है उसको कीजिए। मैं इसलिए ये आपको बताया कि बहुत से नौजवान हैं जो सोचते हैं कि डेली का 1000 रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो डेली का 1000 रुपया कमाने का एक तरीका मैंने बताया है, आप केला नहीं बेच सकते हैं कोई बात नहीं, कुछ और प्रोडक्ट लेकर के बेच सकते हैं कम बजट में। यही देखो यार, 10,000 से नीचे में रेडी ठेला यही सब मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि प्रोफेशनल काम करना है, किसी ऑफिस में काम करना है, फिर आप नौकरी जिंदाबाद, आप जा करके नौकरी ढूंढो। लेकिन अपने चाहतों के हिसाब से पैसा कमाना है कि 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 रुपए मैं कैसे कमाऊं, तो आप घूम करके माल सेलिंग करो। वो सेलिंग करने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि लोगों की जरूरत हर गांव में है, हर घर में है, उस चीज को समझना पड़ता है। अगर आप समझ लेते हैं कि हमारे गांव में क्या चीज की तकलीफ है, कौन सी ऐसी जरूरत है जो मैं पूरा कर सकता हूं, अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो आप काम करेंगे ना तो लोगों को उससे बेनिफिट होगा। लोग जिससे परेशान है उसका समाधान यदि आप कर देते हैं तो वही आपका बिजनेस बनता है और उसी से आदमी पैसे कमाता है, मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और देखो हाँ, नौकरी के पीछे आप मत भागिएगा, अगर नहीं लग रही है ना थोड़े बहुत। देखो यार, हम लोग गरीब घर के लोग हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, उतना ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है, उतना ज्यादा चांस नहीं मिला, एज निकल चुका है, महिला है पुरुष है, तो ये सोचिएगा कि मेरे लिए कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट है, क्या मैं कर सकता हूँ। धंधा कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, धंधे को गलत वे में मत लीजिएगा, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको देहात में धंधा ही कहा जाता है, ठीक है, वो काम कीजिएगा, अपने मर्जी के हिसाब से जीना है तो। बाकी अगर ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो नौकरी जिंदाबाद, ढूंढिए नौकरी अपने मनपसंद का। नौकरी भी बुरा नहीं होता है, नौकरी भी अच्छा खासा होता है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है। देखो नौकरी में बुरा कभी नहीं कहा मैं, नौकरी बुरा होता है, मैं ये कहता हूं कि अपने चाहतों के हिसाब से यदि पैसे कमाना है तो फिर आप नौकरी में ना जाइए, बिजनेस में आइए। अगर बिजनेस करना है तो अपने चाहतों के 1000 चाहिए 2000 चाहिए डेली का 10000 चाहिए, ये बिजनेस ही आपको दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता है। नौकरी का फिक्स अमाउंट होता है, सैलरी आपका फिक्स होता है, इतना मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा 1000 रुपया और बढ़ जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को, शायद मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद।